बारह मेरा नाम मेजर नरपत सिंह है। अच्छा सर, और मैं आर्मी में 1961 से भर्ती हूँ। मेरे वाइफ को कुछ कान में ऑटोस्क्लेरोसिस नाम की कोई बीमारी होती है, वो थी। उसकी वजह से किसी वैद्य ने बताया कि इनको देसी गाय का दूध पिलाओ। पहली गाय मैंने सन 1970 में 5,000 में खरीदी। ये बात ये था कि भाई आप फौज के अफसर हो, आपने ये किया वो किया, अब आप इसमें गाय में क्यों जाना चाहते हो? तो उस वजह से उनको ये बिलो डिग्निटी लगा कि मैंने चला रहे थे तो गाय को मैं काफी प्यार कर रहा था। अच्छा अच्छा, तब उनको लगा कि मैं अंदर से कोई ना कोई कमी है इनको। तब उन्होंने कहा कि आप गाय ले आओ। दोस्तों, देसी गाय के, देसी गोवंश के ऊपर आपने YouTube चैनल के ऊपर, Facebook पर और अन्य प्लेटफार्म पर बड़ी वीडियो देखी होंगी। मैंने भी बहुत वीडियो बनाई, लेकिन आज की वीडियो खास इसलिए होने वाली है कि इस फार्म के जो ओनर हैं उनको देसी गाय पालन, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पशुपालन की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पशुपालन के अंदर भी देसी गोवंश, देसी गाय के ऊपर कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अंदर से एक ज़रूरत थी। और ये वीडियो बनाने से पहले जो कहानी मैंने इनसे सुनी, आप लोगों के साथ भी शेयर करवाने का, आपको दिखाने का, समझाने का मेरा मन हुआ कि जब अंदर से देसी गाय के प्रति लगाव होता है तो वह काफ़ी समय इनको लगा इस सेटअप को तैयार करने में। वो सारी बातें आर्थिक मजबूरियाँ नहीं थी, मानसिक कोई बात थी, तो उनकी पूरी कहानी आप सुनेंगे तो निश्चित ही मेरे हिसाब से आपको एक मज़ेदार कहानी आज आपको मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबी न करते हुए मैं सीधे सर के पास चलता हूँ और उनसे उनका परिचय दिलाऊंगा और उनकी पूरी जीवन यात्रा जो इस देसी गाय के लगाव के साथ जुड़ी हुई और अंततः उन्होंने इस फार्म को बनाया, तो वहाँ तक की यात्रा उन्हीं की जबानी सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं फार्मिंग गुरु जी यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त सुरजीत सिंह। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय बता दीजिए प्लीज, बाद में आपसे आपकी कहानी पूछूंगा। हाँ सर, आप सबको मेरा नमस्कार। हाँ जी, यहाँ पधारे इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। हाँ जी सर, सर अपना परिचय बताइए प्लीज एक बार। मेरा नाम मेजर नरपत सिंह है। अच्छा सर, और मैं आर्मी में 1961 से भर्ती हूँ। अच्छा अच्छा, और 1982 जून में मैं प्री मेच्योर रिटायरमेंट मेडिकल ग्राउंड पे लेके आया था। अच्छा अच्छा, इसके बीच मैं 1970 में बीकानेर में पोस्टेड था। हाँ तो सर, ये देसी गाय का आपका फार्म है, अभी आप साहिवाल गाय के ऊपर काम कर रहे हैं। जी हाँ। तो आपने क्या अभी गाय खरीदी या पहली गाय कब खरीदी, किस कैसी आपकी मानसिक स्थिति थी, गाय के साथ आप किस प्रकार अपना लगाव देखते? तो पहली गाय जहाँ से आपने खरीदी और यहाँ तक का सफर आप हमें बताएंगे तो प्लीज एक बार वो शेयर करें। वैसे तो गाय मैं बचपन से अपने घर में देखी है मैंने। अच्छा अच्छा, और शुरू से ही देसी गायें रखी हुई थी। मैं 1970 में बीकानेर पोस्टेड था। अच्छा, और मेरे वाइफ को कुछ कान में ऑटोस्क्लेरोसिस नाम की कोई बीमारी होती है, वो थी। उसकी वजह से किसी वैद्य ने बताया कि इनको देसी गाय का दूध पिलाओ। अच्छा अच्छा, और उसमें उस वजह से मैंने सबसे पहली राठी गाय बीकानेर में खरीदी थी। अच्छा, कौन से सन में खरीदी सर ये? ये 1969 में खरीदी थी। अच्छा अच्छा, और उसके बाद बीकानेर में मैं शाम को कहीं घूमने गया था, तो रास्ते में मेरे को एक साहिवाल गाय किसी के घर में बनी हुई दिखी। अच्छा, मेरे को गाय पसंद आई और मैंने, वो भी फौजी अफसर थे। अच्छा अच्छा, उनके पास गया और उनसे बात की और मैंने कहा ये गाय मेरे को चाहिए। ठीक, तो क्योंकि उनसे पहले भी परिचय था, आपसे मोल भाव नहीं करूँ। मैंने कहा मोल भाव की बात ही नहीं है, आप तो मेरे को गाय चाहिए, आपको देनी है। अच्छा अच्छा, उन्होंने कहा आपको मना नहीं करूँगा, आप गाय ले। पहली गाय मैंने सन 1970 में 5,000 में खरीदी। 5,000 में खरीदी। अच्छा अच्छा, और साहिवाल गाय। ठीक ठीक, उसके बाद वो गाय मेरे साथ तकरीबन 4-5 साल रही। फिर कोई मेरे रिश्तेदार थे, मैं बीकानेर से पोस्टिंग हुई तो उनको मैंने वो गाय दे दी, ये शर्त पे कि मेरे को इसकी एक बचत हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन किसी वजह से वो आगे पीछे होते रहे और वो बचिया हमें कभी मिली नहीं। अच्छा अच्छा, उसके बाद फिर, हाँ
उसके बाद में फौज से रिटायर हो गया मैं 82 में। अच्छा। और 82 में रिटायर होने के बाद में मैं अपने बच्चों के लिए दूध के बारे में काफी सोचता था कि इनको देसी दूध पिलाऊं, लेकिन वो कभी संभव नहीं हुआ क्योंकि आर्मी में तो पोस्टिंग होती रहती थी, इसलिए नहीं संभव था। और रिटायरमेंट के बाद में मेरे वाइफ की और इनकी कुछ सोच ऐसी थी जिससे कि ये मेल नहीं खा रहा था, उनको गाय पालन आपका पसंद नहीं था, ये बात ये था कि भाई आप फौज के अफसर हो, आपने ये किया वो किया, अब आप इसमें गाय में क्यों जाना चाहते हो। तो उस वजह से उनको ये बिलो डिग्निटी लगा कि मैं, तो मैंने उनको काफ़ी समझाया लेकिन उनके समझ में नहीं आई। और अल्टीमेटली मैंने इस चीज़ को अपने बैक ऑफ माइंड में छोड़ दिया कि भाई जब कभी ये खुश होंगे, घर वाले खुश होंगे तभी मैं करूँगा, गाय पालन करूँगा, वरना गाय पालन का नहीं। हाँ, अगर मैं यदि फैमिली सपोर्ट नहीं, तो आप ये भी नहीं चाहते होंगे कि मेरे एक शौक की वजह से या मेरे अपने काम की वजह से पूरे परिवार में कोई विवाद खड़ा हो तो। अच्छा। तो अल्टीमेटली बिड़लाज में फिर मैं चला गया, बिड़लाज के साथ मैंने 2010 तक काम किया। 2010 में बिड़लाज से मैं रिटायरमेंट लेके आ गया। अच्छा। फिर भी मेरे मन में इच्छा थी लेकिन घर वालों को कभी मैं खुल के कह नहीं सका, या तो मैं उनको भावना नहीं समझा पाया या वो समझ नहीं पाए, दोनों में से। हाँ, या आप अपने ढंग से उनको ऐसा कह सकते कि समझा नहीं पाए कि कैसे भी वो चलता रहा, कहने का मतलब यही रहा। अल्टीमेटली एक दफे मेरी वाइफ को लगा कि मैं, मेरे को गाय से लगाव है, गाय मंदिर गए थे, चारा वारा खिलाते हैं तो वहाँ पे खिला लेते हैं, तो गाय को मैं काफी प्यार कर रहा था। अच्छा। तब उनको लगा कि मैं अंदर से कोई ना कोई कमी है इनको, तब उन्होंने कहा गाय ले आओ। अच्छा। और उसके बीच में आपने एक कहानी मेरे को और बताई थी कि आपके बेटे और बेटी को आपने गाय का दूध पिलाया था, बेटी की उम्र भी आपने मेरे को बताई, वो भी थोड़ी सी बताओ। मेरी बच्ची 1970। अच्छा, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा कि उस स्टोरी को मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ कि आपने उनको समझाने के लिए, वो आपका एक लंबा अनुभव था देसी गाय का बचपन से दूध पिलाने का, और वो आपने बच्चों को बताया तो वो समझ में, उसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करो एक बार। वो ऐसे हुआ कि मैं रिटायरमेंट के बाद में जब मेरी इच्छा थी गाय के बारे में, तो मैंने एक रोज अपने दोनों बच्चों को बैठा के समझाया कि मैंने कहा कैसे है, और मेरी डॉटर जिनका नाम कुमुदनी है, उनको मैंने कहा कि आपने तो बचपन से पिया है और आपके जो लगाव है मेरे प्रति, जो भावना है, और आपके भाई का जो है, उसमें आपको कुछ फर्क जरूर नजर आएगा। यू आर मोर अटैच टू मी देन योर ब्रदर। ये नहीं कि वो नहीं चाहता है, हाँ, लेकिन जो तुलनात्मक बात करें तो कोई अंतर दिखाई देता है, थोड़ा बहुत फर्क आता है। तो मैंने कहा ये फर्क जो है ये गाय के दूध का है। बेटी को आपने बचपन से गाय का दूध पिलाया, और अभी उनकी एज कितनी हो गई होगी, लगभग 50 की है, 50 साल उनकी एज हो गई, तो सेहत आपने तो उनका जीरो दिन से देखा है, 50 साल तक का सफर। मेरी डॉटर की जो एनर्जी लेवल है और जो मेरे लड़के का एनर्जी लेवल है, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। हालांकि मेरा लड़का भी काफी एनर्जेटिक है, बट जो एनर्जी लेवल मेरी डॉटर का है वो उनमें नहीं है। तो आप उसमें एक चीज देसी गाय के दूध को भी काउंट करते हैं? मैं उसी की वजह से शायद है कि उसमें इतनी एनर्जी है और जो लगाव है वो भी उन्हीं की वजह से। अच्छा। तो उसके बाद फिर परिवार वालों को आप समझा पाए या वो समझ पाए, तो उसके बाद फिर कैसे? और जैसे मैंने बताया कि मंदिर में गए थे, गाय को चारा खिला रहे थे, और जब मेरी वाइफ ने देखा कि मेरे को ज्यादा लगाव है, उन्होंने कहा आप गाय ले आओ। अच्छा। तो अभी मेजर साहब कितनी गाय है आपके पास, कितना गोवंश है अभी मेरे पास में? बड़ी गाय 13 गाय है। अच्छा। के बच्चे बछड़े मिला के 20 के आसपास हो गए। अच्छा। तो अब आप संतुष्ट हैं, खुश हैं, क्योंकि आपकी जो इच्छा थी वो पूरी हुई। तो इस गोपालन को आप से पूछना चाहूंगा कि कैसे देखते हैं, जो आजकल के पढ़े लिखे लोग हैं वो इससे दूर जा रहे हैं कहीं ना कहीं, और आप सारी चीजें देख करके पूरी कमांडिंग
जॉब पर भी आप रह करके वापिस इस समय है, तो आपने तो जीवन का बहुत लंबा अनुभव देखा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आप किसी पोस्ट पर रहते हैं और उसके बाद भी आपके अंदर यदि लगाव है तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपकी स्टोरी से कुछ न कुछ। हाँ जी, गाय की तुलना में तो कोई भी जॉब है सेटिस्फाइंग नहीं है। अच्छा, जितना सेटिस्फाइंग आदमी को जो तसल्ली मिलती है, ये सेटिस्फेक्शन मिलता है गायों के साथ रहने से, वो सेटिस्फेक्शन शायद किसी जॉब में नहीं मिल सकता। मैंने आर्मी में भी रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे मैंने कमांड किए हैं, बहुत अच्छे से मैंने पोस्ट पे रहा हूँ, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन मेरे को जो दिल से जो खुशी तसल्ली सेटिस्फेक्शन जो मिलता है वो जैसा इनके साथ रहने से आनंद आता है वो कहीं पे भी नहीं है। तो मेजर साहब, युवाओं को और किसानों को क्या संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से देसी गाय के प्रति, वो और एक बार प्लीज संक्षेप में आप बताइए। हाँ जी, देसी गायों का संक्षेप में यही कहना चाहूँगा कि इस इनका अगर हम पालन नहीं करेंगे तो हमारे हिंदुस्तान में एक दिन ऐसा आएगा जब हम सब बीमार होंगे। घर में एक गाय होगी तो वो आपको खेती में भी प्रोत्साहन देगी, आपकी सेहत में भी प्रोत्साहन देगी और आपको डॉक्टरों से दूर रखेगी। इसलिए मेरा सबसे ये अनुरोध रहेगा कि घर में ज्यादा नहीं तो एक देसी गाय का जरूर पालन करें। एक देसी गाय हर घर में होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार आप मेजर नरपत सिंह जी को सुन रहे थे, उनके जीवन की पूरी कहानी, जो गोवंश के प्रति उनका लगाव था, देसी गाय के प्रति उनका लगाव था, वह यहाँ इन्होंने अभी साकार किया और अभी बड़े अच्छे ढंग से इनकी एक एक गाय भी आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। बड़े ही स्वस्थ इन्होंने गाय की सेवा करके इनको तंदुरुस्त रखे हुए हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भाई बहन पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद, जय हिंद, जय जवान।